मॉर्निंग, वी हैव लेफ्ट जयपुर, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स किशनगढ़। किशनगढ़ होते हुए हम लोग उदयपुर चले जाएंगे। और सुबह हम लोग निकले थे अराउंड 8:30, थोड़ा जल्दी निकलना था, बट कल इतने टायर्ड हो गए थे, सो गए, देन सुबह थोड़ा सा उठने लेट हो गए इस वजह से। बाकी ब्रेकफास्ट हमने किया एक हाईवे क्या है होटल हाईवे किंग करके, इनके काफी ब्रांचेज है इस हाईवे में। ये हम लोग NH 48 में, 48 है ना, हाँ NH 48 में। इट हैज गॉट टू मेनी ब्रांचेज इन दिस क्या कहते हैं रूट। तो अच्छा था, काफी अच्छा होटल था, और हमने आलू पराठे प्याज पराठे खा लिए, काफी बड़ा बता अच्छा था जो भी था। एंड जयपुर वॉज ब्यूटिफुल, और सफर जयपुर तक का था अच्छा था, खाली ट्रैफिक ने थोड़ा सा डिस्गस्ट किया जयपुर का, जो क्या कहते हैं, देयर इज टू साइड्स ऑफ जयपुर। एक एयरपोर्ट साइड है जहाँ थोड़ा सा डेवलपमेंट है, वहाँ थोड़ा ऑर्गेनाइज ट्रैफिक है, बट जहाँ पे ये लोकेशंस हैं विजिटिंग, जहाँ पे घूमने फिरने की जगह है, हवा महल वगैरह, वहाँ पे टूरिस्ट और मार्केट्स का काफी भीड़ है, और वो बनता भी है बट थोड़ी सी अनऑर्गेनाइज ट्रैफिक है। बाकी सब कुछ अच्छा था, होटल वॉज गुड, आई वुड रेट इट अराउंड 3 out of 5। थोड़ा पुराना होटल था, ठीक है, बट जितना कॉस्ट हमने दिया उस होटल के लिए, तो इट वॉज गुड, ओवरऑल गुड। और बाकी रूट आप देख सकते हैं, इट इज गुड। हाईवे में जितना टाइम है उतना ही किलोमीटर दिखा रहे हैं, तो नेशनल हाईवे इज गुड टिल किशनगढ़। किशनगढ़ के बाद का विल सी एंड उसके बाद देख के बता देंगे, तो अब तक तो अच्छा है, बाकी किशनगढ़ चलते हैं। किशनगढ़ में वी विल बी लुकिंग फॉर राजस्थान का स्विट्जरलैंड, वो अगर आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ व्हाइट मार्बल्स का एक पूरा सा मार्बल्स या लाइमस्टोन है, ठीक है, एक डंप यार्ड है एक कंपनी का, और वो पूरा व्हाइट जहाँ फिल्मों की शूटिंग वगैरह भी होती है, म्यूजिक शूटिंग होती है, तो विल सी दैट। थोड़ा सा जल्दी जाना था ताकि हम कम धूप में फोटोग्राफी कर सकें, बट अब लेट हो गए हैं, बट ठीक है, विल डू इट, होपफुली कि रश ना हो ज्यादा, ताकि फोटोग्राफी अच्छे से कर सकें और आप लोगों को भी दिखाएंगे। चलो लेट्स एंजॉय ऑल अराउंड, पूरे मार्बल्स के रॉ मटेरियल्स डाल के रखे हैं इन्होंने, तो दिस इज एक्चुअली दैट इज अ डंप यार्ड ऑफ मार्बल्स, तो वेयर वी आर हेडिंग टू, तो उसको राजस्थान का स्विट्जरलैंड बोलते हैं। चारों तरफ मार्बल्स के, एक्चुअली दैट इज अ इंडस्ट्रियल एरिया, मतलब कोई रिको इंडस्ट्रियल है जिसका वो फार्म है या फिर डंप यार्ड है काइंड ऑफ, वहीं लोग जाते हैं घूमने। आई डोंट नो अंदर जाने देंगे नहीं देंगे, क्या है सीन विद सी, बट जाने तो देते हैं, विजिटर्स तो आते हैं। यू विल अराइव एट योर डेस्टिनेशन, सो वी हैव एंटर्ड द डंप यार्ड, और एवरीथिंग इज व्हाइट हियर, सब व्हाइट ब्यूटीफुल, मेरे को सब व्हाइट ही दिख रहा है, रोड भी व्हाइट, ऐसा लग रहा है कि ठंडा है, पर ठंडा कुछ नहीं है, बहुत गर्म है, गर्म भी है यहां पे। क्या समझ में आ रहा है? कंट्रास्ट, द वाटर वाज ब्लू, यहाँ पे ग्रीन लग रहा है, हमेशा थोड़ी ब्लू मिलेगा, ये बात भी है, सूरज की किरणों की वजह से। प्री वेडिंग शूट चल रहा है, देखो इट्स अ वेरी गुड लोकेशन फॉर ए प्री वेडिंग शूट, प्री वेडिंग शूट, इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड फॉर अ very good pre-wedding shoot and don't want to go to Ladakh, then please come here and get your pre-wedding shoot done. मजा तो जितना सुंदर है उतना extreme है, अच्छा तो लग रहा है, बट बहुत धूप की वजह से बहुत गर्मी लग रही है, एंड कुछ दिख भी नहीं रहा है, पूरा एकदम रिफ्लेक्ट कर रहा है। प्लीज वेयर योर सनग्लासेस, वरना यहाँ से मतलब आंखों के साथ वापस नहीं जाओगे विजन के साथ, ठीक है। और बाकी इट्स गुड, गुड फॉर फोटोशूट, अगर आपने प्री वेडिंग भी चल रही है यहाँ। हाँ, और एक और चीज, जो गूगल आपको लोकेशन दिखा रहा है, इट इज अ इंडस्ट्रियल लोकेशन, तो यहाँ घुसने के लिए एक टोकन लेना पड़ता है, इट इज जस्ट 1 kilometer अहेड ऑफ इट, वो गेट वाले आपको बता देते हैं लोकेशन जनरली, तो जस्ट फॉर इन्फो कि एक टोकन मिलता है वहाँ से, तभी आपको एंटर अंदर आने देंगे, ठीक है। और अगर प्री वेडिंग शूट या फिर स्पेसिफिक फोटोग्राफ LED DSLR वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक परमिशन लेना पड़ता है, उसका भी वही टोकन ऑफिस में ही मिल जाता है, एक इनका ऑफिस है मार्बल ऑफिस, वहाँ पर सब कुछ मिल जाते हैं डिटेल्स वगैरह।
बाकी और कैसा लगा? अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर है, ऐसा कभी देखा नहीं है, काफी यूनिक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। इट्स गुड, अच्छा है, चलो पेशेंट। वीडियो सॉन्ग की भी शूटिंग हो सकती है। एकदम गाउन वाउन पहन के आना आप। हाँ। इफ यू आर प्लानिंग। चलो चलते हैं अभी, विल बी हेडिंग फॉर उदयपुर स्ट्रेट। So we are heading to Udaipur, the beautiful Udaipur. 300 kilometers is Udaipur from Kishangarh. It will take hardly five and a half bhi nahi lagenge, shayad 5 hours mein we'll reach. And right now it is 12 o'clock or hopefully 5 o'clock tak hum log pahunch jayenge. And Kishangarh ho chuka hai aur Kishangarh is around 2 hours from Jaipur. So total is around 7 hours from Jaipur to Udaipur. Baki chalo. Let's enjoy the road. And मुझे यार पता नहीं क्यों मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं roads। मुझे बड़ा मन था किस दिन के राजस्थान के roads में जाना। Although अभी तो काफी greenery होगी side में, तो वो भी उतना भी नहीं है, but still side में पहाड़, bare land और बीच से road गुजर रही है। चलो, this is the beauty. Let's head to Udaipur. शाम के 3:30 बज रहे हैं और ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हम लोग। हार्डली 50 मिनट्स इज लेफ्ट और 47 किलोमीटर्स। होपफुली ट्रैफिक ठीक ठाक है शायद, क्योंकि ग्रीन दिखा रहा है। एंड रोड वाज गुड, एंटायर रोड, दिस इज नेशनल हाईवे 48 एंड एंटायर रूट में हमें 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट मिली है, तो यू कैन एनालाइज की रोड्स कितने अच्छे होंगे। और जस्ट फ्लाई ऑन फ्रॉम जयपुर टू उदयपुर। उदयपुर के बाद का क्या है कंडीशन, व्हेन वी विल मूव अहेड फ्रॉम उदयपुर, वो तब देखेंगे। बट दिस वाज द रोड और बाकी वी आर रीचिंग उदयपुर। पहुंच के कुछ अभी तक कोई प्लान है नहीं, बट एवरीथिंग इज फ्लेक्सिबल। हम लोग लंच करेंगे सबसे पहले, आज ऑलरेडी लेट हो गए हैं, तो ब्रेकफास्ट लंच लेट किया था, तो सोचा लंच भी लेट कर लेंगे, बट सोचा पहुंच के कर लेते हैं। तो होटल चेक इन कर लेंगे, उसके बाद लंच करने के बाद जो भी टाइम बचेगा वी विल यूटिलाइज इट फॉर सम मार्केट वगैरह चले जाएंगे, या फिर जनक विलास नेम इज, आई शो यू, कम ऑन। They have painted the AC also. See, wow. See the door, see the lights. This is how we will be closing the door. And see the washroom also. The bed also, that Haveli wala style. It's nice. Actually, we have tried this kind of hotel in Jaipur also, but Jaipur में नहीं हो पाया था, तो हमने चला ख्वाहिश उदयपुर में पूरी की जाएगी, तो हमने ख्वाहिश यहाँ पूरी की। Finally we are here in Hathipol market. अच्छा market है, सुंदर market है, and they have many different types of cloth and handicraft materials. बाकी आप market करते हैं तो देख सकते हैं, जो चाहिए आप लोग ले सकते हैं। और एंड नाउ अभी हम लोग, पता चला कि 7:15 बजे जो धरोहर का फॉल डांस शो होता है वो 7:15 बजे होता है, और उसका लोकेशन अभी चेंज हो गया है। पहले भगोरे की हवेली में होता था, अभी का लोकेशन जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, या फिर नीचे आप टैगलाइन में पढ़ सकते हैं जो लोकेशन है। तो उसका शो सबसे लास्ट शो रहता है 7:15-7:15 का। तो ये
are here in the rooftop restaurant of the hotel Janak Vilas ka. और हम लोग यहाँ बैठे हैं जस्ट सिटी पैलेस के सामने. दिस इज़ द सिटी पैलेस जो हम कल जाएंगे विजिट करने के लिए और दिखाएंगे आपको. ऊपर की एक पोर्शन है, इट्स अ गुड लाइटिंग वेटिंग कर रखी है और उस तरफ आपको वो टेम्पल नज़र आएगा.